नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वर संस्कार महफिल में। स्वर संस्कार महफिल का ये दूसरा संस्करण है और आज जिस दूसरे संस्करण की 45वीं प्रस्तुति है। सबसे पहले तो मैं, जैसा कि अगर आप पिछले रविवार को हमसे जुड़े थे तो आप जानते होंगे कि हमारे स्वर संस्कार का ये जो फेसबुक चैनल है जिस पर इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं, इस चैनल पे स्वरों का अभ्यास शुरू किए हुए, ये स्वरों की यात्रा शुरू किए हुए एक वर्ष पूरा हो चुका है। यानी पिछले वर्ष मार्च में हमने इस चैनल पर, इस पेज पर आपके साथ हमारे गुरुजी श्री संजय देवले जी ने सुरों का एक सफर शुरू किया था, जिसमें सुरों का रियाज अभ्यास, आपको नए नए ख्याल सिखाना, सुरों का रियाज कराना, साथ ही स्वर संस्कार महफिल जो हमने शुरू की जिसमें नए नए कलाकारों की प्रस्तुतियां आप देखते रहे, इसको पूरा एक साल पूरा हो गया है। तो आज इस एक साल को पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे स्वर संस्कार महफिल के दूसरे संस्करण की ये अंतिम प्रस्तुति है। इसके बाद हमारे स्वर संस्कार महफिल का तीसरा संस्करण शुरू होगा। तो दूसरे संस्करण की जो ये अंतिम प्रस्तुति है, इसमें चूंकि एक साल हमारे स्वर संस्कार के इस पेज को आपके साथ जुड़े हुए पूरा हो गया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस स्वर संस्कार महफिल में एक ऐसे गुणीजन, एक ऐसे उस्ताद, एक ऐसे गुरु और एक ऐसे महान कलाकार को बुलाएं जो न सिर्फ हमारे हमारे शास्त्रीय गायन का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि हमारे ग्वालियर घराने का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आदरणीय गुरु श्री संजय देवले जी ग्वालियर घराने के गायक हैं, ग्वालियर घराने के गुरु हैं। आपको जो शास्त्रीय संगीत की जो जो शिक्षा आपको मिल रही है वो ग्वालियर घराने की पद्धति से मिल रही है। हालांकि और भी चीज़ें उसमें शामिल है, लेकिन मूलतः हम ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो ग्वालियर घराने के जो इस वक्त सबसे मूर्धन्य, सबसे वरिष्ठ कलाकार हैं, वे हमारे बीच हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें उनका उनका आशीर्वाद मिल रहा है, हमें उनको सुनने के लिए मिल रहा है इस आज की महफिल में। आज जिन्हें हम सुनने वाले हैं उनका नाम है पंडित पीएल गोहतकर जी। बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं, ग्वालियर घराने के गुणीजन हैं, उस्ताद हैं, गुरु हैं और बहुत ही कमाल के गायक हैं। मतलब कुछ उनके लिए कुछ भी कहना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात होगी। मुझे कुछ भी कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि उनके बारे में सबसे पहले तो उनका उनका हम सम्मान करेंगे और उनके बारे में जो भी बात है, उनके बारे में जो भी कहना है वो हमारे गुरुजी स्वयं आपसे कहेंगे। पर इससे पहले कि हम इस महफिल को शुरू करें, इससे पहले कि हम गोहतकर साहब का, गुरुजी का सम्मान करें, मैं इस महफिल के कलाकारों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम पंडित गोहतकर जी का गायन सुनेंगे और उनके साथ तबले पे संगत देंगे महेश पांडे जी, सॉरी हारमोनियम पे संगत कीजिए देंगे माफ कीजिएगा महेश पांडे जी, और तबले पे उनकी संगत देंगे अनंत मसूरकर। तो आज तीनों ही कलाकार जो हैं वो हमारे ग्वालियर घराने के बहुत बड़े वरिष्ठ कलाकार हैं जो हमारे बीच हैं, और उनकी प्रस्तुति लेकर हम स्वर संस्कार महफिल में हमारे लिए हमारा सौभाग्य है और हमारे हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इस एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया और इस महफिल में, इस समारोह में, इस सम्मेलन में, इस संगीत के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ वो आए और आज प्रस्तुति देने के लिए वो हाजिर हुए। तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगा और हम अब कनेक्ट होंगे बहुत जल्द ही सीधा गुरुजी के घर से, जहाँ पर इस वक्त हमारे तीनों कलाकार मौजूद हैं और गोहतकर जी का गायन सुनेंगे। जैसा कि मैंने कहा, बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ चंद शब्द जो मेरे पास हैं मैं वो ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि ग्वालियर घराने का जो संगीत है, ग्वालियर घराने की जो शिक्षा है वो इन्होंने कई वर्षों से इन्होंने प्राप्त की है। ग्वालियर घराने के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं स्वर्गीय राजा भैया पूछवाले जी और उसके बाद पंडित बाला साहब पूछवाले जी, उनके सानिध्य में निरंतर बने रहे और संगीत की साधना और संगीत की शिक्षा ग्वालियर घराने की विधिवत पद्धति से ये प्राप्त करते रहे। 1958 के आकाशवाणी के उच्च श्रेणी कलाकार हैं। आप सोचिए 1958, कितने वर्ष पहले से ये उच्चतम कलाकारों की श्रेणी में आते हैं। तो सोचिए हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कि आज हम इनको सुनने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा और मैं चाहूंगा कि गुरुजी हमारे बीच जुड़े और हमारे सबसे पहले कलाकारों का सम्मान करें, उनका आदर सत्कार करें और उनसे आशीर्वाद लें कि हम ये महफिल जिसके
तीसरे संस्करण में जाएंगे, उसको शुरू करेंगे। तो ये दूसरे संस्करण का समापन हम उनके उनके द्वारा उनकी प्रस्तुति के द्वारा कर रहे हैं। तो आप सभी हमसे जुड़िए, इस वीडियो को जरूर वॉच पार्टी में शेयर कीजिए, लोगों तक प्रस्तुति पहुंचाइए, क्योंकि इतने बड़े कलाकार आपके बीच आज मौजूद हैं और आपको उनका गायन सुनने का मौका, एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये अवसर आसानी से प्राप्त नहीं होता है। बहुत बड़ी बड़ी महफिलों में, बहुत बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर हम इतने बड़े कलाकारों को सुन पाते हैं, पर आज वो हमारे बीच हैं, हमारे निवेदन पर। तो इस वीडियो को वॉच पार्टी में शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, हमारे फेसबुक पेज जिससे आप जुड़े हुए हैं उसको लाइक करते रहिए, उसको आगे बढ़ाते रहिए। यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़िए, यूट्यूब चैनल पर आप सारे कलाकारों को सुन सकते हैं जो अभी तक हमारे बीच आए हैं। तो मैं अब आग्रह करूंगा अपने गुरु जी से कि वो तुरंत लाइव हमारे साथ शुरू करें और हमारे कलाकारों के आदर सम्मान के बाद उनकी प्रस्तुति शुरू करवाएं। इस वीडियो के समाप्त होने के दो तीन मिनट के अंतराल से हमारे गुरु जी का वीडियो शुरू होगा और आपके सामने उनकी प्रस्तुति शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए स्वर संस्कार महफिल से, स्वर संस्कार के फेसबुक पेज से, और इसी तरह संगीत का आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देने के लिए इतना उम्र हो जाने के बाद भी आज घर पर आए हैं, इनका स्नेह संगीत के प्रति, संगीतकारों के प्रति, संगीत साधकों के प्रति इतना इतना ज़्यादा है कि उसको भावों में अभिव्यक्त करना, शब्दों में अभिव्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने इस छोटे से, ये आपका ही घर है और इस घर में क्योंकि जो भी हम बने हैं वो आप जैसे बड़े संगीतकारों की वजह से ही बने हैं, यश पर आपका आगाध स्नेह है। मैं आप सब की तरफ से, हम सब की तरफ से इस होली के पावन पर्व पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। मैं भी कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं जो मुझे संजू नाम से बुलाते हैं, उसमें गोदकर सर, मेरे गुरुजी महेश पांडे जी और श्री अनंत मसूरकर, जिन शुरुआती दौर में मैं गाना बजाना शुरू किया था इस शासकीय मानव संगीत महाविद्यालय में, उसमें मुझे सौभाग्य मिला कि मैं पांडे जी से सीखा, फिर घर पर भी सीखा, गोदकर जी का अपार स्नेह मुझे प्राप्त हुआ और मसूरकर जी की संगत में, मतलब मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का जो तबले का ठेका है, जो तबला लगाने का उनका जो अंदाज है वो अपने आप में अनूठा है। बड़े बड़े कलाकारों के साथ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने संगत की है, जिसमें पंडित बाला साहब पूछवाले जी का आकाश स्नेह इनको प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं कि भाई चंद्रवेश पांडे जी हमारे बीच में हैं, वे उन्हें श्रीफल और माल्यार्पण के द्वारा इनका स्वागत करें।
इनका इनका गाना बजाना जितना अच्छा है उतनी इनकी वृत्त पूरा, इनका बोलने का जो इनका जो स्तर है, वो जो जो कहते हैं ना कि कलाकारों के साथ मेलजोल बोलकर जो मिठास पैदा होती है, उसमें इनकी बड़ी महारत है। बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत करके उनको 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 अपने अपने बातों से भी उन्होंने खुश रखा है। और ऐसी ही ग्वालियर घराने की अद्भुत बातें आज हम गोद कसर से बात करते रहेंगे। श्री महेश पांडे जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि भाई चंद्रवेश जी इनका उनका भी स्वागत करें। वाह, गोहतकर सर की शिष्या और पुत्री संध्या जी, मैं ताई कहता हूँ इनको, और यश को इन्होंने पुत्रवत प्रेम किया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा विद्यार्थी भानु इनको पुष्पों से इनका स्वागत करें, क्योंकि ये पूरे कार्यक्रम की कंपनिंग करने वाली है। इस स्वागत परंपरा को अगर हम विराम दें और दो मिनट के बाद में इसको शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि ग्वालियर की का जो संगीत है, जो धाराएं हैं ग्वालियर में, तीन धाराएं मूल ग्वालियर धारा, एक धारा की तीन धाराएं जिसको तीन मंडियों के रूप में हम जानते हैं जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, छतरी मंडी, माधोगंज मंडी और गुजरात मंडी। इन तीन मंडियों का, तीन मंडियों में गुजरात मंडी पंडित खानदान कृष्णा शंकर पंडित, गुजरात मंडी, माधोगंज की मंडी पंडित बाला साहब पूछवाले जी, राजा भैया पूछवाले जी की मंडी, और छतरी मंडी कुंडलकर गुरु उमड़ेकर जी की मंडी। और सबसे खास बात यह है कि हमारे जो आज के वरिष्ठ गायक हैं, मुझे लगता है कि उनका परिचय अगर इस रूप में आपको मिलेगा तो आप शायद संगीत को और उनको बहुत ज़्यादा करीब से पहचान पाएंगे। गोहतकर जी को इन तीनों ही मंडियों के वरिष्ठ कलाकारों का बहुत ही स्नेह प्राप्त हुआ। उमड़ेकर जी जो कुंडलकर गुरु हैं उनसे भी वहाँ से शिक्षा ग्रहण की, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। राजा भैया जी, बाला साहब पूर्वा जी से भी आपने शिक्षा ली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो तीसरी गुजरात मंडी कृष्णा शंकर पंडित, जहाँ पर जो शंकर गांधर महाजल एक ज़माने में था, तो उस जगह से भी उन वहाँ के कलाकारों से, वहाँ के शिक्षकों से भी आपका बहुत स्नेह रहा है, तो इस पर हम चर्चा करें। दो मिनट हम इसमें विराम देते हुए उसके बाद हम अपने इस महफिल का शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत और आज शुरू करते हैं इस यादगार महफिल को। मैं चाहूंगा कि पहले गोदकर जी स्वयं गुरु जी अपने बारे में, अपने गुरु के बारे में बताएं, और उसके बाद जैसे जैसे आप प्रस्तुति देना चाहें वैसे हिसाब से। होली के इस पावन पर्व पर सभी श्रोताओं को होली की शुभेच्छा। जैसे कि संजय जी ने पूछा कि मैं अपने बारे में कुछ बतलाऊं, तो मैं केवल 7 वर्ष का था, मेरी शिक्षा जो प्रारंभ हुई संगीत की उस विषय में बतलाता हूँ। तो मैं अपने नाना जी के पास रहता था। नाना जी और बाला बहू उमड़ेकर, जिनको कुंडल गुरु के नाम से जाना जाता था, उनकी आपस में मेलजोल मैत्री जिसको बोलते वो थी, इसलिए उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे नाती को गाना सिखाना है, आप अपने साथ ले जाया करिए। मैं लक्ष्मीनारायण मंदिर जनगंज में रहता था और सामने वाली गली से वो आते थे, मेरी नानी मुझे लेकर वहाँ बैठती थी, उनके सुपुर्द कर देती थी। 1942 में जब पहले दिन मैं उनके साथ विद्यालय गया तो उन्होंने आवाज़ लगाई, बाबू इधर आओ। कोई बाबू है नहीं, क्लर्क होगा। तो वो आए टोपी पहने हुए, एक को कहा कि इस लड़के को देख लो जरा।
वो मुझे ऊपर छत पे ले गए और कहाँ उनकी बोलभाषा बड़ी विचित्र, कहो गुरु क्या मालूम है कुछ आता है तुमको, ऐसे बोले वो। मैंने कहाँ आता है, मंदिर में रहता हूँ तो भजन वजन गाता हूँ। तो मैंने उनको एक भजन सुनाया, उन्होंने जाके कहा कुंडल गुरु को भाऊ इस नाम से पुकारा जाता था, कुंडल गुरु नहीं भाऊ, सब लोग उनको भाऊ कहते थे। बोले कि भाऊ ये लड़का सुरीला है, तो बोले अब तुम उनको सिखाओ, तुमको ही सिखाना है। उस दिन वो मेरे पहले गुरु हुए जिनका नाम था गंगाधर राव भागवत, जिनको बाबू करके संगीत जगत में पहचाना जाता था। हाँ, मेरी शिक्षा उनके पास शुरू हुई संगीत लिए। क्रम चलता रहा, 2-3 साल बाद उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया सीखने के लिए। उनकी जो शिक्षण पद्धति थी बिल्कुल ग्वालियर घराने की जो होती उस पर उसी प्रकार थी। एक राग की ताने, उन्होंने क्या किया था, सुबह 4 बजे बुलाते थे मुझे, उनके घर में लाइट नहीं थी, वो लंपी बोलते हैं उसको, चिमनी वो लगा के वो मेरे को कहते थे गुरु, गुरु ही बोलते थे मेरे, गुरु ये माचिस के 60 काड़ियाँ हैं, 60 रहती है उसमें माचिस की डिब्बी में, इतनी बार ये तान आपको रटना है 60 बार। और वो ठंड के दिनों तो सो जाते थे, अब मैं गा रहा हूँ गलती हुआ तो झट उठ बैठते थे, अरे गलती हुआ फिर गाओ। फिर ऐसा मैं उनके पास 1942 से लेके 1950 तक 8 साल तक उनके पास मैं सीखा, और बड़े प्रेम से उन्होंने उस समय कोई गुरु दक्षिणा नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, केवल आपस का प्रेम। उससे मैं जाता था, उन्होंने सिखाया। 1950 में मैं मध्यमा की परीक्षा में बैठा था, उस समय सनातन धर्म मंदिर में हॉल लिया था, वहाँ परीक्षा, कोरखी में उतनी जगह नहीं थी अच्छी, क्योंकि रातन धनकर तरीके व्यक्ति परीक्षा लेने आते थे। रातन धनकर संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती हो गई है, वो राजा भैया पूछवाले और स्वयं कुंडल गुरु, ये 3 परीक्षक थे मेरे। परीक्षा देने में बैठा, उस समय 24 जैसे आजकल है ना भैया 24 का राग सुनाओ, नहीं उस समय 24 वगैरह कुछ नहीं था, जो वो कहेंगे वही गाना पड़ता था। मैं गया तो यमन से लेके मालकंस तक 25 राग होते हैं गिनती में, वो थे वो 25 राग पूरे तैयार थे मेरे। गया मैं, उन्होंने कहा तोड़ी गाओ, गाया, मारवा गाओ, गाया, पूर्वी गाओ, गाया, भैरव का ध्रुपद गाओ, गाया, जाओ, ऐसा कह दिया जाओ। मैं बैठा रहा, मेरे साथ जो तबले पे संगत करने वाले थे उनका क्षीर सागर नाम था, माधव संगीत में वो तबला टीचर थे, वो बजा रहे थे, मुझे जानते भी थे शुरू से। तो वो आचनकर साहब एकदम ज़ोर से चिल्लाए, क्यों बैठा है ये लड़का? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी उसकी एक इच्छा है कि आप भोपाली से मालकंस तक उसका एक राग सुन लिए कोई। अच्छा, तानपुरा उतारो। उतार दिया मैंने, अब मिलाओ। मिलाया तो मैंने तानपुरा मध्यम में मिलाया। तो बोले मध्यम में क्यों मिलाया? मैंने कहा मालकंस या भाग्यश्री में से कोई एक राग में सुनाना चाहता हूँ। भाग्यश्री में पंचम नहीं लगता? मैंने कहा बिल्कुल लगता है, लेकिन ग्वालियर घराने में बहुत ही अल्प मात्रा में उसका प्रयोग होता है पंचम का। अच्छा चलो सुनाओ। गाया मैं बागेश्वरी का, उस समय को न करत तोरी बिनती पिए, अरे वहाँ वही प्रचार में था, उसको गाया, हो गया। तब राजा भैया ने बाला साहब से पूछा कि ये लड़का कौन है? तो बोले कि ये गोहतकर करके लड़का है और ये अपने नाना के पास रहता है, उसको मदर फादर नहीं है। बोले इसको आज शाम को घर बुला। उस दिन राजचंद्र चरिक का गाना था उनके, गुरुवार का दिन था ये भी मुझे याद है। मुझे कहा कि तुमको घर आना। उस समय माधव संगीत में टुंडा नाम का एक चपरासी था, वो मेरे मतलब जनकगढ़ मंदिर के आगे ही रहता था। टुंडा इसको लड़के को लेके आज 7 बजे घर पे ले आना।
मुझे लगा कि राजा भैया का ऐसा स्वभाव था कि परीक्षा में भी डांटते थे, मारते थे, ये मैंने सुना था। अपनी परीक्षा बिगड़ी और मैंने कुछ सवाल जवाब कर लिया, इसलिए जा रहा दुष्ट हो गए होंगे। ठीक है, मैं 7 बजे बराबर पहुंच गया, को प्रणाम किया। मेरा पहला प्रवेश उस घराने में गुरु जी के यहाँ 1950 में। कहाँ रहते हो? मैंने कहा अपने नाना जी के पास रहता हूँ। क्या नाम है? गोहतकर। क्या था कि उनके दामाद भी गोहतकर थे, उनका नाम था छोटू भैया। वैसे गोविंद राव नाम था, लेकिन छोटू भैया से वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे। छोटू भैया का कौन है तू? मैंने कहा मैं नहीं जानता छोटू भैया को, मैं सही में नहीं जानता था। 15 साल की उम्र थी मेरी। फिर बाला साहब बीच में आए, बोले नहीं वो नहीं जानता, तो अपने नाना जी का रहता है, उसको कुछ नहीं मालूम। किसके पास सीखता? मैंने कहा भागवत मारता बाबू के पास सीखता, ये कहा उन्होंने। ठीक है, अच्छा आयो सीख उसके पास। फिर कहा कि आज तुमको गाना है। जमीन खसक गई मेरे पैर के नीचे से। रातेंद्रनकर साहब, राजा भैया सब बैठे उनके सामने गाना, पहला मतलब जीवन में पहला अवसर वो। और ये कहा कि यमन गाना है और यही बंदी से गाना है, भज हरि नाम और पिया की नजरिया। ये छोटा ख्याल तकदीर मेरी कि मैं सीखा हुआ था उसको और मैंने गाया। गाना हुआ, फिर रातेंद्रनकर का गाना हुआ। फिर जाते समय मुझे बोले राजा भैया खुद कि मेरे पास पांडुरंग मुसलगांवकर और वसंत राजोरकर दोनों आते हैं, तुमको इच्छा हुई तो तुम भी आ सकते हो मेरे पास। इससे बड़ा मुझे और क्या चाहिए था। मैंने उनके पैर सिर रखा अपना, और दूसरे दिन से ही बस ये था कि सुबह 8 बजे पहुँचना ही है। अब उनकी जो शिक्षण पद्धति थी, वो पूजा होने के बाद अपने सारे गुरुओं के नाम से ये करते थे नमन, और फिर तानपुरी लेके खुद बैठते थे और एक हाथ में डग्गी, और कहते थे यमन की सारी बंदिशें गाओ। कम से कम 8-10 बंदिशें वो गवाते थे। उनका कहना था कि राग में जितनी ज़्यादा बंदिशें आएगी उतना वो राग आपको समझ में आएगा और उतना उसका विस्तार आप कर पाओगे। उसका कारण कि हर बंदिश का उठान, हर बंदिश की चलन, उसकी लय अलग अलग होती है, तो आपको स्वर ताल सभी एक साथ समझ में आ जाएगा। ये उनकी मतलब शिक्षण देने की पद्धति थी रमन। और यही ग्वालियर घराने की सबसे बड़ी पद्धति ये शिक्षण की कि आपको जितनी ज़्यादा बंदिशें आती होंगी उतना ही आपका गाना सुव्यवस्थित होगा। ये उनका कहना था, व्यवस्थित गाना गाना है तो हर रात में बंदिशें करो। तो मैं उनके पास सीखता रहा, फिर क्रम चलता रहा। बस कुछ दिनों के बाद वो अस्वस्थ हो गए, तो फिर मैं बाला साहब के पास, तब से लेके फिर बाला साहब के पास। लेकिन मैंने भागवत मार साहब को कभी नहीं छोड़ा, गंगाधर राव जिनको बाबू कहते थे। मैं आज जो कुछ भी हूँ, पहले गुरु मेरे वो है, तो उन्हीं के कारण। वाह, अभी एक नाम गुरु जी ने लिया था। देखिए आप चेहरों का सामने क्या होता है, आप रातेंद्रनकर जी का फोटो देख लीजिए और हमारे गोहतकर जी का फोटो चेहरा देख लीजिए, लगभग चेहरा एक जैसा। अरे वो तो बहुत बड़े हस्ती थे, लेकिन चेहरे का सामने कई कहते हैं कि हमेशा चेहरे कई बार एक जैसे भी हो जाते हैं। एक उम्र के बाद में आप चेहरा देखिएगा। तो अब मैं ज़्यादा न लेते हुए, हम चाहते हैं कि आपकी जानकारी हमने ली है, बीच बीच बातें करते रहेंगे, थोड़ा सा गाना अभी पहले मैं सरस्वती वंदना करके और गणेश जो अपने देवता है उनकी आराधना करके फिर करूँगा जो यमन में है। प्रणम्य शिरसा देवं सरस्वती विनायकम् विचिन्त मनसा विष्णु कर्तव्यं कर्तव्यं
तुम्हार हे गणराज महारा हे गणराज गजाननाभि जा जगदीशा गजाननाभि जा जगदीशा गणराज गावो बजावो राघव रागिनी गावो गावो बजावो राघव रागिनी पुत्र वधु साना छत्तीसा पुत्र वधु साना छत्तीसा हे गणराज महारा हे गणराज 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 बहुत बड़ा अवसर ला दिया है, ऐसा सुयोग बना है कि हम सब इसके माध्यम से भी कुछ कुछ नई चीजें सीखते हैं, हर बार नई चीजें सीखते हैं। तो होली की चुकी बात है, होली रंगों का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है। होली के पहले वसंत ऋतु जाके फिर फाल्गुन मास, फाल्गुन की होली आती है, तो दोनों का एक मिक्सचर मिलन भारतीय शास्त्रीय रागों की परंपरा में दिखाई देता है। और जैसे कि ग्वालियर घराने की बात हो रही है, तो बसंत बहार इसकी रचना परंपरागत बंदिशें अब हम सुनेंगे सीखेंगे। को बुलाई तैसो ही पपिहारा पियो कर बरजो न मान एरी बरन कोयलिया को बुलाए तैसो ये पपियारा पियो पियो कर बर जो न बार जो जो न मान ऋतु आए और अबुआ मोरला चाहू दिशा ए रो तो आए
आए और आबुआ मोरला जाऊ जा कि फूली नए नए बेलरी साखी फूली न साखी फूली नए नए बेलरी साखी रंगार सो बने आता हर के मन मेर जिया होला सत निहारे निहारे फूली नए नए बेल सके रंगर सो बरातार के मन मेरो दिया होला सता दिहारे निहारे फूली नए नए अबुआ के दार बैठी कोयलिया बुआ के दार बैठी कोयलिया कुकू करत पुकार मानो मनावत सरस बसंत बहार सखी पूरी नई नई बेल सखी पूरी नई नई बेल नई बेल नई नई बेल रे जी हमेशा बड़े बड़े लोगों से भी सुना है और ये इसको हम आलोचना कहें या इसको क्या कहेंगे आप अरे तो लोग कहते हैं ग्वालियर आने के राग फिक्स हैं ये जोड़ राग केवल जयपुर वाले ही गाते हैं पर चूंकि आपने भी बसंत बहार गाया तो वो जोड़ राग ही हो गया बिल्कुल जोड़ राग है तो इस बारे में कुछ आप कहना चाहें नहीं नहीं ग्वालियर घराने में ये निश्चित है कि जो पारंपरिक राग है उन्हीं को प्रस्तुति मान करते हैं उसी के जैसे ग्वालियर घराने के यमन से लेके और मुल्तानी तक ये 45 राग है जी। उसी को मान्यता ग्वालियर घराने में पहले थी फिर संगीत का प्रचार प्रसार बढ़ता गया उसके अनुसार लोक रुचि के आधार पर नए नए राग फिर लेने उस समय कोई श्याम कल्याण नहीं गाता था यमन गाएगा यमन कल्याण गाएगा श्याम कल्याण आया जेत कल्याण आया पूरिया कल्याण आया ऐसे आते चले उसी प्रकार बंदिशें भी कुछ ऐसी हैं जो ग्वालियर घराने के तो है ही लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी बंदिशें बनाई है उसको भी ग्वालियर घराने ने आत्मसात किया और उसकी प्रस्तुति भी होती है तो मैंने जो अभी वसंत बहार गाया उसमें जो विलंबित ख्याल है वो ग्वालियर घराने का है लेकिन द्रुत ख्याल जो है वो रातन जनकर जी का बनाया हुआ है वो गाया आप जैसे अब आप चाहें तो जैसे कि अभी बात हुई कि ग्वालियर में परंपरागत रागों को गाने की परंपरा है बंदिशें भी परंपरागत और बोली का प्रसंग है अवसर बोली का है अब हम भीम पलासी को लेंगे भीम पलासी में वैसे तो बहुत से रागों में होली की बहुत सी बंदिशें मिलती हैं परंतु भीम पलासी की जो रेयर बंदिशें इसलिए तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ कि मेरी उम्र गाने लायक नहीं है लेकिन आप लोगों का आग्रह इसलिए मैं गा रहा हूँ मैं भीम पलासी में आपको मतलब जो हो रही है पहले परंपरागत लोग गाते थे उसको बेरा जय में धूम
मचाए श्याम बिरज में धूम मचाए श्याम कैसे के मैं जाऊं अपने धाम बिरज में धूम ये श्याम कैसे के मैं जाऊं अपने धाम बिरज में धूम सब सखियान मिला होरी खेलता है सब सखी होरी खेलत सब सखियान मिला होरी खेलता है अखियन परत गुलाल बिरज में बिरज में धूम बिरज में धूम मचाए श्याम बिरज में धूम बिरज में धूम मचाए श्याम बिरज में धूम बिरज में धूम बिरज में धूम मचाए श्याम जाओ जाओ नहीं बोलो श्याम जाओ 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 नहीं बोलो श्याम घूंघट में कौन काम घूंघट में कौन काम जाओ जाओ नहीं बोलो श्याम चुरिया कर की अंगिया भारी चुरिया कर की अंगिया भारी भीज गई तन मोसारी भीज गई तन मोसारी ब्रिज किनारी देवे गारी ब्रिज किनारी देवे गारी दे दे तारी ओ रानी जाओ जाओ नहीं बोलो जा जाओ जाओ नहीं बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम जाओ। ये जो बंदिश है ये मेरे ब्रदर इन ला पत्नी के भाई उन लोग उसने उन्होंने बनाई थी। हम दोनों एक साथ गाते थे जुगलबंदी महेश वाजपेयी। हम दोनों एक साथ जुगलबंदी खूब गाए हैं यहाँ पर। 1960 में पहली जुगलबंदी गाए हम। इससे ही सर एक सवाल मतलब अक्सर सुनता हूँ मैं और अभी भी कुछ लोग करते हैं। ग्वालियर में जोड़ियों में गाने का चलन रहा है मतलब शिक्षण पद्धति जोड़ी जोड़ी में स्टेज पर गाने का सिखाते हैं। बिल्कुल वो भी बतलाता हूँ। माधव संगीत महाविद्यालय में मैंने 1951 में प्रवेश लिया तो उस समय वहाँ की परंपरा राजा भैया प्रिंसिपल थे। उस समय ये परंपरा थी कि हर शनिवार को संगीत की बैठक होगी और उसमें जिस क्लास से मतलब विद्यार्थियों को गाना उनके साथ जो जोड़ियों के नाम हाँ वो भी आते थे और एक शिक्षक को भी गाना पड़ता था और बाकायदा कॉपी रखे उसके मतलब जो भी है अगुण अवगुण सब कुछ लिखे जाते थे हाँ और सब बतलाए जाते थे। तो ग्वालियर में क्यों ऐसी परंपरा हसदू का हसू का नत्थू का तीनों साथ में गाते थे तभी ग्वालियर घराना माना जाता था। तो वो जो परंपरा थी वो बराबर ग्वालियर के लोगों ने उसको चालू यथावत चालू रखा और हमेशा जुगलबंदी या त्रिगलबंदी हम लोग तीन गाते थे। मैं पांडुरंग मुसलगांवकर एक गोपाल अरोनकर के लड़का था हम तीनों चतुर्थ वर्ष में थे तो हम तीनों की जोड़ी बनाई गई थी कि तिकड़ी गाएगी आज ऐसा कहा जाता था हाँ तो हम लोग गाते थे। और उस समय की जो शिक्षण पद्धति में क्या कहूँ कोई सवाल ही नहीं बराबर ख्याल आपको व्यवस्थित आना ही चाहिए अस्थाई दो बार गाना है ये ग्वालियर की परंपरा है अंतरा गा के फिर अस्थाई में आके उसके बाद
आलाप ये क्रम चालू होता था, आकार के आलाप, फिर बोल आलाप, फिर बोल तान, फिर तानों का प्रकार। तानों का प्रकार भी निश्चित था, सरल तान, फिरल तान, रागांग तान, अवरोही तान, आरोही तान, क्रम से चलती थी ग्वालियर में। तो इस प्रकार जो ये साथ में गाने की परंपरा है वो तो जब ग्वालियर घराना स्थापित हुआ तब से पड़ी हुई है। हद्दू खां, सुखा नत्थू खां एक साथ गाते थे, इसलिए वो परंपरा। शिक्षक भी जो गाते थे उस दिन, वो दो शिक्षक गाते थे माधव संगीत में। हाँ, जैसे मतलब जो भी होंगे देवकर साहब, टट्टू साहब, ये तो बाद वाले टीचर थे। मैं तो पहले के जो पंचाक्षरी हमारे गुरु जी थे सर, वो और बाला साहब की जोड़ी थी, वो दोनों गाते थे हमेशा। शिंदे साहब और नाथू साहब ये जोड़ी थी। हाँ, कोठारी साहब ऐसे शिक्षक थे, उनकी आवाज़ यहाँ बैठ के गा रहे हैं तो कोटेश्वर के मंदिर में सुनाई दी, ऐसी आवाज़ थी। हाँ, वो गाते भी ऐसे ही रखते, मारवा गाएंगे। हाँ, झांझा मोरा झनक आई तो ऊपर सांप है सांपे तो ऐसी आएगी कि बस। तो उनके साथ गाने के लिए कोई नहीं मिलता था। हाँ, तो एक भजनी माठ साहब, सावड़े माठ साहब थे माधव संगीत में, उनको उनके साथ बिठाला जाता था। वो केवल ऊपर का सा लगाते थे जम के बस। तो ये परंपरा ग्वालियर में प्रारंभ से है, तो इसीलिए हम लोग जुगलबंदी गाने का हम लोगों ने ये किया था और काफ़ी सफलता मिली हम लोगों को। ऐसा नहीं, मतलब कला परिषद में और इसमें सब में हम लोग साथ में गाने के लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, राजा भैया शताब्दी में भी हम जोड़ी से ही गाए हैं। 1982 में भोपाल में हुआ था, तब हमको जुगलबंदी से ही गाने को कहा गया था। मैं और मेरे जो ब्रदर मिला वो दोनों हम लोग गाए थे, और ग्वालियर का ही राग यमन गाना, यमन गाए थे। उसके बाद फिर हम दूसरे मतलब जो की बंदिश गाए थे वो अलग बात है, लेकिन पहले यमन गाए थे। चलिए, एक एक बात और, मतलब गुरु के प्रति समर्पण और गुरु को के शिक्षण को भी, अगर उसका वैसा पढ़ाई वाला शिक्षण नहीं, मुझे अक्सर मुझे मालूम है कि जब हम आप मुझे फ़ोन करते हैं संजू नाम से और बात करते हैं तो पुरानी पुरानी बातें कहते हैं, तो वो बाला साहब पूछ वाले जी की पढ़ाई में भी आपने उनको उनको मदद ऐसे डिग्री विग्री क्या चाहिए थी कुछ बताया? नहीं नहीं, वो तो क्या हुआ कि मैं यहाँ मतलब मेरे को साइंस लेके मैट्रिक में प्रवेश दिया था जी। साइंस मेरे बिल्कुल रुचि का विषय नहीं था, तो मैं लगातार 2 साल उसमें फेल हो गया मैट्रिक में। संकोच नहीं, जो बात है वो। उसके बाद राजा भैया के एक शिष्य थे बालकृष्ण पालखे, जिनको बल्लू पालखे कहा जाता है आगरा, वो हमेशा आते थे। उनकी महफिल के भी एक बड़ी विचित्र परंपरा थी, वो एक सुपाड़ी लेके चलते थे और सुपाड़ी मेरे हाथ में रखी, प्रभाकर आज की सुपाड़ी है ये, इस जगह पहुँचना है बस। और रात को 10 बजे महफल शुरू हुई थी होती थी और सुबह 4 बजे वो गाने को बैठते थे। तब तक मैं मतलब हमारे बदलाम जुगलबंदी गाते थे, और भी कई एक तलेगांवकर जी भी आते थे, रघुनाथ तलेगांवकर, हाँ वो गाते थे। उसके बाद अंत में वो बैठते थे और वो हम लोगों को तानपुरे देते थे, दोनों बैठो पीछे मेरे। वो क्या कहते थे महफल में, देखो प्रोफेसर लोग मेरे पीछे गा रहे हैं। क्या कहने उनको उसमें आत्मीयता लगती थी, मतलब ये नहीं कुछ। तो ये परंपरा ग्वालियर में शुरू से चली आ रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम उस समय क्या था एजुकेशन में, कि लड़कों को म्यूजिक लेके बैठने नहीं दिया जाता था। हाँ, तो बोले तुम आगरा आ जाओ, मैं तुमको मैट्रिक पास करा दूंगा। तो मैं चला गया, पास हो गया मैट्रिक पास। अब उन्होंने कहा कि तुम बाला साहब को कहो कि वो मैट्रिक को बैठे। मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है। बोले मैं कहूँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा बाला साहब आप भी बैठो। बोले मेरे को कौन सिखाएगा? बोले यही सिखाएगा आपको। ये आपका गुरु हो जाएगा। वही मैंने कहा कि क्या बात है। तो मैंने कहा मैं आपको सिखाऊँगा। तो बैठे, लेकिन उनकी बड़ी निष्ठा थी और लगन। उन्होंने बराबर जैसे जैसे मैंने बतलाया, मेरे को कहना नहीं चाहिए, बराबर पढ़ाई की। और आगरा गए वो, उनका प्रैक्टिकल परीक्षा लेने जो आया था वो खड़ा हो गया था। बोले मैं आपकी परीक्षा क्या लूँगा, आप तो गाना सुना दीजिए। वो पास हो गए मैट्रिक पास। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि मेरे शिष्य
प्रभाकर गोदकर की प्रेरणा से मैंने मैट्रिक पास किया। पहले लिखा था कि उसने सिखाया, मैंने कहा नहीं ये शब्द किताब में नहीं आना चाहिए, प्रेरणा लिख दो, उसकी प्रेरणा से मैंने मैट्रिक पास किया। उस मैट्रिक पास का कहाँ उनको लाभ मिला, जब पीएससी में प्रिंसिपल की पोस्ट एडवर्टाइज हुई तब उसमें कंडीशन थी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना आवश्यक है, तब उनके काम आई वो क्वालिफिकेशन, तब बोले भैया तेरी शिक्षा अब मेरे काम आ रही है। वो हो गए प्रिंसिपल तो खैर होना ही था उनको। क्या यादगार महफिल आप देखिए, ग्वालियर ग्वालियर का वैभव, ग्वालियर कलाकारों की सच्चाई, कितनी ईमानदारी है, ये ईमानदारी आज के ज़माने में नहीं देखने को मिलती है। बहुत 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 आप आज आए हैं, आप धन्यवाद। अरे धन्यवाद सर, कैसी बात करें, धन्यवाद आप सर, हमारी हाँ नहीं नहीं शास्त्रीय दृष्टि से बहुत सी बंदिशें बोली में मिलती हैं, और एक राग मिश्र का उसमें एक परंपरागत रचना है। ये जो रचना मैं बतला देता हूँ आपको, ब्रिज की होली है ये। ब्रिज में जो होली गाई जाती है वो धुमाली में गाई जाती है, उसकी अलग ही उठान और ये होती है उसकी, तो मैं उसको गाने का प्रयास कर रहा हूँ, काफी में है। ओ ब्रिज राजा दुलार दुलार, ओ ब्रिज राजा दुलार दुलार, ओ ब्रिज राजा दुलार। नंद के नंद के प्राण प्यारे, नंद के नंद के प्राण प्यारे, ओ ब्रिज राजा दुलारे दुलारे, ओ ब्रिज राजा दुलारे। अब क्यों जाए छिपे मोहना रे, हो दो बापन बारे, अब क्यों जाए छिपे मोहना रे, हो दो बापन बारे, निकस आओ रे नो के मुख तो कहो हारे हारे बिया, के मुख तो कहो हारे हारे बिया, ओ ब्रिज राजा दुलार दुलारे, ओ ब्रिज राजा दुलार दुलारे, ओ ब्रिज राजा दुलार। अब परंपरागत बंदे आज खेलो शाम संग होली होली, खेलो शाम संग होली, पिचकारी रंग भरी केसर की, पिचकारी रंग भर के सर के, खेलो शाम संग होली,
कन्हैया संग सति राधा गोर कन्हैया संग सति राधा रंग भरी जोरी सोहत की आजा खेलो जिन डारो रंग मानो गिरधारी मोरी पाकर डारो रंग मानो गिरधारी अब सास सुन गी देगी गारी हमारी अब सास सुन गी देगी गारी हमारी जिन डारो रंग गिरी कैलाश को बस हम जाड़ो गिरी बात हम चाड़ो अब हम लात बाई मेरी सारी दिन डारो मई बात दिन डारो रंग मारो डमक डमक डमरुगत बाजत डमक डमक डमरुगत बाजत मत संगीत विचारित तकारी हर रंग काकाऊ अब मैं तो सो हर रंग काकाऊ अब मैं तो सो अनगिन देऊ मैं गाई दे दे तारी दिन डारो रंग गिरधारी मोरी माता दिन डारो रंग चाड़ो चाड़ो जला मोरी भैया चाड़ो जला मोरी भैया दुखत मोरी नरम कलाई कैसे तुम कैसे तुम निडर राजबा पराई चाड़ो चाड़ो जला मोरी भैया कैसे तुम महाराज अवतन तो गोराज कैसे तुम महाराज अवतन तो गोराज जानो ना तो सबराज पकड़ मगाल बाकी मेरा तुआर छाड़ो 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 तेरा मोरी भैया काहे छेड़ो मोहे हो श्याम काहे छेड़ो ओ जाम बहुत हसीन करो तुम शासन नंद सुन जो पावत तुम्हें देगी गारी श्याम गाए छेड़ो मोहे हो अपनी करत कछु न सुनत अपनी करत कछु न सुनत रोकत नित डगर चलत निडर डगुराई करत शासन नंद सुन जो पावत तुम्हें देगी गारी श्याम काहे छेड़ो मोहे हो श्याम काहे छेड़ो काहे छेड़ो मोहे काहे छेड़ो हो श्याम एक राग में इतनी सारी बंदी है क्या कहते हैं क्या कहते हैं हाँ एक एक बात और पूछना चाहता था सर जी कि ग्वालियर में एक चीज और देखी गई है कि यहाँ और ऐसा कहा जाता है और ऐसा करते हैं पुराने लोग नई पीढ़ी शायद उससे दूर हो रही है गाने वाले को तबला और तबले वाले को गाना आना ही चाहिए उस बारे में कुछ आप इस बारे में मैं बता रहा हूँ उस समय शिक्षण पद्धति ऐसी थी कि हफ्ते में एक दिन जो गाना सीख रहे हैं उनको तबले क्लास में जाना पड़ता था सीखने के लिए और जो तबले के विद्यार्थी वो गाना सीखने आते थे जिससे उनको स्वर ज्ञान हो तबला मिलाना परेशानी नहीं होना चाहिए हाँ इसलिए उनको स्वर ज्ञान केवल अलंकार सिखाए जाते थे और स्वरावली इसके अलावा कुछ नहीं और हम लोगों को तीन ताल एक ताल तिलवाड़ा जितने भी है सब पुरानी परंपरा ये थी जितने भी शिक्षक थे तबले वाले शिक्षक नहीं आए तो हाथ में तबला लेके खुद बजाते थे और मुँह से गाते ये शिक्षण पद्धति थी ग्वालियर में लोग आश्चर्य करते थे कि आप गा भी लेते हो बजा भी लेते हो बजा कर सिखाना बहुत कठिन है बहुत
ये पांडे जी हमारे सर मतलब आकाशवाणी में वो कदम विजया कदम आई थी, उनके साथ उनकी रिकॉर्डिंग है, मतलब उनको उनका उनके साथ तबला बजाया है। मैं बतलाता हूँ, मैं कोई ताल था जो नहीं है। मैं आकाशवाणी इंदौर से जब गा रहा था उस समय सुबह का प्रोग्राम लाइव होता था 7:05 पर न्यूज के बाद। मेरे साथ करण सिंह करके स्टाफ आर्टिस्ट थे तबले के, उनकी ड्यूटी थी। ठंड के दिन थे वो नहीं पहुँचे। रमेश नाडकर्णी, गजान राव दोषी, हाँ ऐसे लोग वहाँ थे, अभिद हुसैन का सरीके, वो सब लोग पहुँच जाते थे लाइव प्रोग्राम सुनने। मैं गया अंदर, रामदास मुंगरे थे उस समय, वो तानपुरा प्लेयर थे, और सिद्धाराम स्वामी कोरवा। गया अंदर, उन्होंने कहा आप तो शुरू करो। उन्होंने कहा तबला, तो उन्होंने इशारा किया सिद्धाराम को कि तबला ले लो। अब सिद्धाराम स्वामी बहुत अच्छे गाने वाले, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हाँ उन्होंने ऐसा ठेका दिया कि करण सिंह की कोई याद नहीं आई। उसके बाद मुझे गजान राव जोशी, जरा तेज दिमाग के थे, उन्होंने कहा लिख के दे दो। तो उस बाद में वो आ गया, मेरे पैर पड़ने लग गया कि गुरु जी गलती हो गई मेरी, नींद लग गई मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ भी लिख के नहीं दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और मैंने लिख के नहीं दिया। वो थोड़े रुस्ते हुए, अभी दूसरे कहने का नहीं, वो बालक ठीक कह रहा, मतलब मेरा ये सुयोग कि मेरा ऑडिशन भी अभी दूसरे खाने ही लिया था। तो जैसे ही मैं जैसे ही बाहर निकला ऑडिशन दे के, बोले अभी जो लड़का गा रहा था वो कौन है? तो मैंने कहा ये तू हो गया पास, बता दिया। तो 1958 की बात बतला रहा हूँ मैं, और तब से मैं बराबर निरंतर रेडियो पे गा रहा हूँ। अब आवाज़ के कारण थोड़ा ये हो गया। नहीं सर, आज भी उम्र में इतना गाना और इतना याद रखना। अब मैं ग्वालियर की परंपरा में एक है अष्टपदी गायन शैली, तो काफ़ी में ही जो मुझे अष्टपदी सिखाई है वो मैं अभी गा देता हूँ। उसके बाद सशब्द तराना भी है, तो भी भज भज हरि चरण पाशु मना, भज भज हरि चरण पाशु मना, द्रुत तरमदि गमयति शिवम संशयम, शमयति दारुणमपि भवतापं, कुरु त्वरात जनिद्रा, भज भज हरि चरण पाशु मना। चरण पाशु मना, भज भज हरि चरण पाशु मना, द्रुत तरमदि गमयति शिवम संशयम, शमयति दारुणमपि भवतापं, कुरु त्वरात जनिद्रावन। भक्ति विशेष दशोयतु नाथ, भक्ति विशेष दशोय दुनाथ, नृत्य गीत संकीर्तत नामा, क्षणमपि विलवमपि कृपा, कुरु त्वरात जनिद्रा, भज भज हरि चरण पाशु मना। तन देरे नादीं तदीं, तन देरे नादीं तदीं, तन देरे नादीं तदीं, तन नादीर देर तुम देर 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 दे ता रे दानी देरे नादीं तदीं। खलके में को यज्ञ कुत्रो, खलके में को यज्ञ कुत्रो, बुध परस्ते में को नादवा, आरे आरे में को नादवा, खलके मेगा कारण तन नानी देर तुम देर 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 ता रे दानी देरे नादी तदी, तन देरे नादी तदी तदी तदी। ग्वालियर में मैंने भी देखा है, और उसके पहले का भी समय रहा, आप तो खैर पूरा युग आपने संगीत का देखा है। ग्वालियर में टोपी वाले जो संगीतकार हुआ करते थे, या जो आगे बैठे जो टोपी पहनते थे काली टोपी, और बड़े बड़े संगीतकार उनसे डरते थे, और उनमें से एक टोपी जो काली टोपी मुझे आज भी याद है, मैं तो बहुत छोटा था, भागवत सर थे,
काली टोपी, सफेद कुर्ता पजामा, झक सफेद कुर्ता पजामा उनका नहीं और मैं, आप उनसे सीखे हैं? मैं सीखा हूँ, मैं बतलाऊँ आपको, ग्वालियर रियासत में जो ये निर्मार गायक थे भाऊ साहब गुरु जी, कुंडल गुरु, कृष्णाराव शंकर पंडित, हाफिज अली खां, पर्वत सिंह जी, इनको महीने में एक दिन गोरखी जो देवस्थान है वहाँ संगीत सभा में अपनी प्रस्तुति देना पड़ती थी। वो टोपी लगाए बगैर अंदर नहीं जा सकते थे। मेरे को भी भागवत मास्टर साहब ले जाते थे, मास्टर साहब ही कहता हूँ, माफ़ करना भागवत गुरु जी कहना चाहिए, वो ले जाते थे, चल बेटा आज भाव साहब गुरु जी का गाना सुन लेना, हाँ, लेकिन टोपी पहन के आना। तो मेरे नाना जी ने मुझे जरी की टोपी उस समय मिलती थी छुटमन में, लोगों तुम लोगों ने देखी भी नहीं होगी, जरी की टोपी, जरी का काम किया हुआ किनारे पे, किनारे वो पहन के मैं जाता था, हाँ, और बराबर गाना सब लोग टोपी पहन के ही आते थे, भाव साहब गुरु जी, पंडित जी, हाफिज अली खां तो खैर हमेशा टोपी पहनते थे, वो सवाल ही नहीं, पर्वत सिंह जी अपना साफा लिए, कुंडल गुरु पगड़ी, और तो ये परंपरा, ये टोपी उसी समय से चली आ रही है। तो बड़े कलाकार डरते थे उन टोपी वालों से। राजनगांवकर सर एक साहब थे, उनके मतलब कलाकारों को स्टेज पे उतराने की उनकी कमी और पेशी हाल। आपको मालूम है यहाँ सारोलकर जी करके एक पंडित दादी सारोल बहुत अप्रतिम गाने वाले, एक बार उनको गोरखी में गाना था तो उनको कहा गया कि टोपी पहना, मैं टोपी भी नहीं पहनूंगा, तो फिर बोले आपका गाना नहीं होगा, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे को साफा बांध दो, तो उनको साफा बांध दिया था, फिर वो गाए थे गोरखी में, उनके पीछे मैं ही गाया था उस समय। वो व्यक्ति ऐसे थे संगीत क्षेत्र में, मेरी 13 साल की उम्र में उन्होंने मुझे सबसे पहले महफिल में गवाया, 13 साल का था मैं। उनसे मेरी मुलाकात भी ऐसी हुई, वो जहाँ रहते थे उसके आगे एक हनुमान मंदिर था, हनुमान जयंती के दिन वहाँ गाना चल रहा था, तो मैं मारुति मंडल में जब गाना होता था वहाँ से गाना ख़त्म करके आ रहा था, तो मुझे गाने की आवाज़ सुनाई दी, मैं अंदर चला गया तो ये सारोलकर जी गा रहे थे, उनके पीछे सप्तऋषि माठ साहब तानपुरा लेके बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा माठ साहब तानपुरा मैं ले लूँ, राजीव भैया ने पीछे देखा, गाना बिना आता है का कोशिश करूँगा, मालकौन गा रहे थे, वो गाया उनके साथ में। उसके बाद से वो जहाँ भी उनका गाना होता था मेरे को कहते थे प्रभाकर आज वहाँ चलना है, हाँ, हालांकि मेरे कहने में संकोच नहीं, गुरुजी थोड़े नाराज़ होते थे पूछ वाले साहब, न कहाँ जाता है, रात को नहीं जाना चाहिए था, अपना अपना स्वभाव हो ठीक है। मैं तो गुरुवार की महफिल में पंडित जी महाराज के यहाँ भी जाता था और गाता, आप तीनों मंडियों से आपका बड़ा, मैं गाता था और वही सबसे पहले मेरी मुलाकात पंडित सीताराम जी से हुई, ऋषि संत आदमी, वो संत आदमी जो संगीत सवाल ही नहीं, वो ये बैठे हैं पंडित जी, उन्हीं के उन्हीं का प्रसाद है। नहीं पूछना नहीं चाह रहा, मैं टोपी का जिक्र ये कहना चाह रहा था कि एक जमाने में कोई नंगे से रहते ही नहीं था, नहीं था, नहीं था, सही बात, पुराने लोगों में पुराने टोपी निकलने, उनको टोपी पहन के निकलना, हम लोग जनंग कोई नहीं निकलता, नहीं नहीं जनंग स्कूल में पढ़ते थे ना, टोपी पहन के ही जाते थे जी, मगर टोपी पहने अंदर घुस नहीं सकते थे, ठीक बात, वो छाते गर्मी में छाता काला और टोपी, वो तो भागवत माठ साहब का था, भागवत माठ साहब की बात, नंगे सर कोई निकलते ही नहीं, क्या कहने, क्या कहने, ये समय साहब देखिए आप, मैं संगीत की महफिल क्या यादों में है, आप उसका मजा लीजिएगा ग्वालियर के, और आज सभी लोग सारे लोग जितने बैठे हैं वो सारे ग्वालियर के जिनके शरीर में भुना हुआ है ग्वालियर का संगीत, जिन्होंने जिया है उसको, गाया नहीं उसको जिया है उस संगीत को, उस जीवंत संगीत का आप अनुभव कर रहे हैं, ऐसे अनुभव आपको जीवन में कभी नहीं आ सकते, बहुत 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 धन्यवाद। भागवत सर का सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो उनका 10 मिनट में वो नारायणी और वो ऐसा क्या क्या कहने, उनके कुछ राग सिद्ध थे, सोरठ रघुवरत मुख वाला वो, उसके बाद चक्रधर, हाँ, सरस्वती, फिर ये खंबावती और ये सब राग, लेकिन वो जिस दिन जैसे ही सरस्वती शुरू करते थे बहुत कम गाते थे, लेकिन जो भी गाते थे वो बिल्कुल। और शिक्षक तो बाले के हनुमान जी में भेंट होती थी, हनुमान जी को महफिल, क्या हनुमान भक्त थे वो,
बिल्कुल वो रत्नाकर सर, रात को सारे म्यूजिशियन नौकरी करने के बाद में वहीं 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 रात भर महफिल होती थी, रात भर महफिल वो तो बहुत चल। आप कुछ बोलिए ना सर, आपने भी बहुत बड़े बड़े उनका कुछ सुना दीजिए भगवत सर, एक हाथ चलक राम हो गया सोरठ की बात, एक हाथ देश की हुई सोरठ सुना देता हूँ। रघुवर तेरो दास का हाल, रघुवर तेरो दास का हाल, रघुवर तेरो नाम जपो निसवास, तेरे ही गुण गावो रघुवर तेरो दास का, तुम ही मेरे प्राण जीवन धन, तुम ही मेरे प्राण जीवन धन, तुम ही मेरे प्राण जीवन धन, तुम तज अनतन जाओ, तुम्हारे चरण कमल को मधुकर रतन हरि सुख पावो, रघुवर तेरो दास काऊ, दास काऊ, दास काऊ। मतलब महफिल या बैठक जो मतलब पूरी रात भर की, ग्वालियर के अलावा कहीं ऐसी बैठक होती ही नहीं है, आज भी वो परंपरा ग्वालियर में भी है, और आप जैसे गुणी लोग आज इस यादगार महफिल में आ गए हैं, क्या कह सकता हूँ सर, क्या कह सकता हूँ। क्या अच्छा समापन, कभी ऐसी महफिल ऐसी बातें कभी सुनने को नहीं मिलती हैं, लेकिन समय सीमा और तो होती ही है हर कार्यक्रम की, तो आप जैसा समापन नहीं, बस भैरवी का तो ये बंदिश मैं जो गा रहा हूँ वो स्वयं कुंडल गुरु ने हमको सिखाई थी 1946 में भैरवी की। अब तोरी बाके लोहानिया रे, अब तोरी बाके लोहानिया रे, अब तोरी बाके चितवन मेरो मन बस किनो प्यारी प्यारी बतिया करके, अब तोरी बात लोहनिया, अब तोरी बाके चितवन सनद कहे मोरा जिया नहीं मारे, सनद कहे मोरा, सनद कहे मोरा रे, मोरा जिया नहीं मारे, जिया नहीं मारे, सनद कहे मोरा, सनद कहे मोरा, सनद कहे मोरा, दिया नहीं माने, दिया
या नहीं माने सा ना दा था ना दा था रे मोरा दिया नहीं माने ए मोरा दिया नहीं माने दादी न बो पे जादू सा कछु कर के अब तोरी माती लोहनिया रे अब तोरी लोहनिया अब तोरी माँ जाए गर्प मीरऊ जाए गर्प मीरऊ बखुनी तमाम ला दो चश्मे मरा गुजारऊ कीवी लम जमाला दो ओ तुम तन देना तुम तन देना तुम तन देना तन देना तन देना तन रानी तुम तन ना दे रानी तुम दे रानी तन देना ना दे रानी तुम दे रानी तन देना तन तुम तन दे जाए गर्भ मीरऊ जाए गर्भ मीरऊ बकुनी तमाम ला दो कस्मे मरा गुजारम टीवी लम जमा ला दो ओ तुम तन देना तुम तन दे तुम तन दे तुम तन देना तन देना तन देना एक कबीरपंथी गायक का मुझे लगता है कि वो भजन गाया बगैर तो बात पूरी नहीं होगी जहाँ वो मने लागो गोलवरकर जी का मकान और उसमें वो एक बहुत बड़े आवाज नहीं चल रहा कार में आपने दो लाइन गा दी सर उसके बगैर क्योंकि जो आपका जीवन है वो उस भजन में मन लागो मेरो यारो फकीरे में लागो मन लागो मेरो यारो फकीरे में मन यारो फकीरे में मन लागो मेरो यारो जो सुख पायो राम भजन में जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में वो सुख नाही अमीरी में भला बुरा सबका सुन लीजे कर गुजरान गरीब में मन लागो मेरो यारो फकीर प्रेम
मन घर के हम है वासी, प्रेम नगर के हम है वासी, बलि बनी अपनाई मेरे, बलि बनी अपनाई हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा रागिरी में मन राग में रुया रोपति आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर खाक मिलेगा, काहे फिरत मगरूरी में, काहे फिरत मगरूरी में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में मन राग में रोया रोपकीरी में मन राग में रोया रोपकीरी में फकीरी में फकीरी में आपके जीवन की प्रेरणा होते हैं और वो आपके यहाँ आकर अपनी बात को इस भाव से कह देते हैं, और ऐसे लोगों को जो प्रेरणा है उनको हम क्या धन्यवाद दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, केवल उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, उनका संगीत लोगों तक पहुँचे, उनके भाव लोगों तक पहुँचे, उनके जीवन के से अगर हम आज के जो संगीतकार हैं, आज के विद्यार्थी हैं, वो कुछ भी प्रेरणा लें तो मुझे लगता है कि निश्चित ही कुछ न कुछ उनको प्राप्त होगा, और ये बहुत जरूरी है। इस पर स्वर संस्कार फेसबुक पेज की ये पहली वर्षगांठ बहुत बहुत जीवन में अविस्मरणीय हो गई हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।